बच्चों आज हम आयतन के विषय में जानेंगे कि आयतन क्या होता है। तो इसके लिए हम एक वीडियो है उसे दिखाएंगे आपको, आप ध्यान से देखिए। इसमें एक कहानी है, ये कहानी आपने सुनी होगी। जी। क्या होता है इसमें? कौवा होता है और फिर प्यार होता है। कहाँ जाता है? कितना पानी मिलता है? थोड़ा सा पानी मिलता है। फिर वो क्या करता है? कंकड़ डालकर डालता है, तो धीरे धीरे पानी कंकड़ से ऊपर आ जाता है। कम कंकड़ डालेगा तो पानी कम ऊपर आएगा, जी। और जो कंकड़ और डालेगा तो ज्यादा ऊपर, और डालेगा तो ऊपर। तो वो अपनी पानी पीकर प्यास बुझा लिया, कंकड़ लेने जा रहा है। कंकड़ लेके आया, फिर कंकड़ डाले और फिर ये पानी से ऊपर और डालेंगे, और डालेंगे, और कौवा पानी पिएगा और प्यास बुझा देगा। बात आई समझ में? इसके बाद एक और हमारा उदाहरण है कि जिसमें इसमें देखो, ये तो कौवे वाला ही है, इसमें ये देखो यहाँ पे कंकड़ कम है तो कम पानी, ज्यादा हो गया तो ज्यादा, और ज्यादा है तो कौवे की चोंच तक पानी पहुंच गया। ठीक है, आगे देखिए दूसरा उदाहरण है। इसमें एक जग दिख रहा है आपको, इसमें क्या भरा हुआ है? पानी। ये बॉल है, बॉल इसमें डालेंगे, जब बॉल इसमें डालेंगे तो क्या हो रहा है? पानी भरा रहा है। पानी भरा रहा है। कितना पानी भरा रहा है? जितनी बॉल ने जगह ली, जितनी बॉल ने जगह ली। तो ये हम नाप भी सकते हैं। जी। नापने के लिए क्या किया कि इसमें एक गिलास से, गिलास में जो पानी बाहर आ रहा है उसे भर दिया, तो गिलास में जितना पानी होगा वो किसके बराबर होगा? बॉल है कितनी जगह ली होगी। बिल्कुल सही। आगे सही कह रहे हैं, बता रहे हैं आप। इसके बाद देखो ये गिलास है, इसमें कितना पानी है? 200 है। बॉल डाली जाएंगी इसमें, जी। तो ये पानी बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। क्यों? और ये पानी ऊपर देखो कितने एमएल हो गया पानी। तो बॉल ने कितनी जगह घेरी? 150 में। ये कितनी जगह घेरी? 150 में। इसमें 150 की जगह देखिए आ गई, 350 में से 200 ml पानी था पहले, घटा दिया तो 150 ml आ गया। जी। तो बॉल ने 150 ml की जगह, यहाँ पर भी बॉल जगह घेर रही थी, जी। अगले में भी बॉल जगह घेर रही थी, जी। ठीक है, दोनों बॉल जगह घेर रही है। यहाँ पर सुनिए ध्यान से, ये एक प्लॉट है, इसकी क्या चीज है? लंबाई और चौड़ाई। उस पे इन्होंने क्या बनाया? घर। एक मंजिल का नहीं चाह रहे हैं ये, कई मंजिल का घर चाह रहे हैं। आगे देखिए, 1 2 3 4 5 कितनी मंजिल का घर चाह रहे हैं? यहाँ तो क्षेत्रफल है, और यहाँ क्या चीज और ज्यादा है? ऊंचाई बढ़ गई, तो इसमें ज्यादा लोग आएंगे, जगह बढ़ जाएगी, ज्यादा जगह गिरेगी। जी। तो अब आप बताइए कि इसका आयतन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जी। तो आयतन क्या होगा? जो जो जितनी जितनी जगह मिलती है, कोई वस्तु जितनी जगह घेरती है उसे उसका आयतन कहते हैं। सही है, इसमें भी आयतन है, बॉल वाले में भी है, जी। और उससे पहले रेड बॉल थी उस वाले में भी, जी। सब में जगह घिरी, जी। कोई वस्तु जितनी जगह घेरती है उसे उसका क्या आयतन है। वेरी ओके।